चलिए खाना खाते। ये लीजिए निहाज, आज मैंने पूरा नाश्ता आपकी पसंद का बनाया। देख क्या रहे निहाज जी, खाइए ना। रोटी ये लीजिए। ये कैसा वाहियात खाना बनाया तुमने रुचित, इसे खाकर तो मैं उल्टी कर दूं। निहार ये क्या बदतमीजी है, रुचिता ने इतनी मेहनत से खाना बनाया वो भी इतना स्वादिष्ट, इसमें कहीं कोई खराबी नहीं। पापा अगर आपको स्वादिष्ट लग रहा है तो आप ही खाइए ना, मुझे तो मिट्टी का टेस्ट भी इससे ज्यादा अच्छा लगता है। पता रुचिता इतने दिनों में तुम खाने की स्वाद भूल गई। सॉरी निहार जी, मुझे पता ही नहीं चला आपका टेस्ट कब बदल गया। कैसे पता चलेगा, खुद से फुर्सत मिलेगी तब तो अपने पति की पसंद नापसंद पर ध्यान दोगी तुम। यार अगर तुम्हें खाना पसंद नहीं आ रहा है ना तो छोड़ दो, अरे हटाओ, कोई जरूरत नहीं खाने की। पूनम ये क्या बोल रही हो तुम, तुम्हें निहार को समझाना चाहिए, पर तुम गलत में उसी का साथ दे रही हो। क्या गलत कह रही हूँ मैं माँ जी, अगर खाना नहीं पसंद आएगा मेरा बेटा नहीं खाएगा, जबरदस्ती अगर नहीं पसंद आया तब भी गले में उतारता चला जाए क्या वो? बिल्कुल नहीं मॉम, निहार कभी भी ऐसा खाना खाने से अच्छा है कि वो उल्टी कर लेगा। ये खाना तो मेरे गले से नीचे उतरेगा ही नहीं, समझ में आ रहा तुम्हें? ये खाना है ना तुम उठा। निहार निहार की तबीयत खराब थी ना, इसलिए शायद वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया। हाँ बेटा, बीमारी में तो अक्सर मुंह कड़वा हो जाता है, मीठा भी बेस्वाद लगता है। अब वरना तुम तो जानती हो ना निहार को, निहार खाने को लेकर कभी ऐसा नहीं करता, इसलिए उसकी बात को दिल से मत लगाओ। जी दादी। कैसा वाहियात खाना बनाया, तुझे जिस बिच्छू ने डंक मारा था उसका जहर तो निकल गया, लेकिन उसका भस्म आज भी तेरे शरीर के अंदर है, और जब तक उस बिच्छू का अंश जिंदा है मैं भी जिंदा हूं। बस उस अंश तक पहुंचने का जरिया चाहिए था हमें, और अपनी शक्तियों से हमें शीशे को इस घर में लेकर आना। नहीं नहीं नहीं, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये बस भाई, ये बिच्छू, ये कुछ नहीं है, तुम बाहर निकालो मुझे यहां से। हम इतनी आसानी से तुझे निकलने नहीं देंगे। तेरी बीवी के जरिए उस माता रानी को इस धरती पर आने पर मजबूर कर देंगे, उसकी शक्तियां छीन लेंगे। बहुत भक्ति और श्रद्धा है ना तेरी बीवी रुचिता में, तो तुझे बचाने के लिए बुलाकर दिखाए उस देवी को। देखो तुम्हारी ये फालतू बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, अपना ये जादू टोना खत्म करो और निकालो मुझे यहां से बाहर, वरना क्या वरना क्या करेगा तू, हाँ वरना क्या करेगा तू? तू जैसा तुच्छ इंसान मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। रुचिता, रुचिता मुझे बाहर निकालो यहां से, रुचिता। अब इस कैद में रहने की आदत डाल ले, क्योंकि अब जिंदगी भर तुझे इसी कैद में रहना है।